हेलो एवरीवन वेलकम टू प्राची रेडियोलॉजी क्लासेस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डार्क रूम इक्विपमेंट्स सो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो डार्क रोम इक्पमेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैंगर्स। हैंगर्स जो होते हैं एक्स रे फिल्म हैंगर्स का यूज़ फिल्म को होल्ड करने के लिए किया जाता है। हैंगर्स स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं लाइक फोर्टीन इंटू सेवेंटीन इंचिस फ़िफ्टीन इंटू ट्वेल्व इंचिस फ़ोटीन इंटू फोटीन इंचिस ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व एट इंटू टैन इंचजस और सिक्स इंटू एट इंचज इन सारे डिफरेंट साइज में हैंगर्स क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं थ्री टाइप्स के हैंगर्स का यूज़ होता है नंबर वन इज़ क्लिप टाइप हैंगर नंबर टू इज़ चैनल टाइप हैंगर नंबर थर्ड इज़ डेंटल हैंगर तो स्टार्ट करते हैं क्लिप टाइप हैंगर से क्लिप टाइप हैंगर जो होते हैं इस टाइप के हैंगर्स में फोर क्लिप्स होते हैं हैंगर के कॉर्नर में एज यू कैन सी इन द इमेज जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो हैंगर के कॉर्नर में फ़ोर क्लिप है और इन क्लिप्स में इंटरलॉकिंग सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से फिल्म को होल्ड कर सकते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स में फ़ोर क्लिप्स हैं एंड इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है इसको इंटरलॉक करते हैं फिल्म को इसमें रखते हैं प्लेस करने के बाद इंटरलॉक कर देते हैं तो जिसकी वजह से ये फ़िल्म को क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है इसके बाद नेक्स्ट हैंगर है चैनल टाइप हैंगर्स इस टाइप के हैंगर्स में लॉक्स की बजाय ग्रुप्स होते हैं जैसे कि हमने क्लिप टाइप हैंगर में पढ़ा था कि इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है क्लिप्स में बट चैनल टाइप में क्या होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं होता है इसमें लॉक्स की जगह ग्रुप्स होते हैं जो ये आप देख रहे हैं ये ग्रुप्स हैं जिसमें फिल्म को प्लेस किया जाता है तो ये ग्रुप्स क्या करती हैं फिल्म को होल्ड करने का काम करती हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हैंगर का डेंटल हैंगर्स डेंटल हैंगर्स का यूज़ डेंटल फिल्म को प्रोसेस करने के लिए होता है इसके अलावा हैंगर्स हमेशा बैट बेंच के पास लोकेटेड होने चाहिए या फिर हैंगर रैक में प्लेसड होने चाहिए लोडिंग और अनलोडिंग बेंच के पास होने चाहिए हैंगर्स रैक में टेन से फिफ्टीन अलग अलग साइजेस के हैंगर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये हैंगर रैक की इमेज है और इस रैक में हैंगर जो होते हैं वो टेन से फिफ्टीन अलग अलग साइज के हैंगर्स को हैंगर रैक में होल्ड कर सकते हैं तो इतनी कैपेसिटी होती है इसके बाद नेक्स्ट आता है इमर्जन हीटर एंड थर्मोस्टेट इसका यूज प्रोसेसिंग केमिकल सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करने और रेगुलेट करने के लिए किया जाता है थर्मोस्टैट डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जब भी टेम्परेचर कम होगा तब इमर्जन हीटर टेम्परेचर को रिक्वायर्ड लेवल पर इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का तो फिल्म डेवलपिंग और डेवलपिंग टाइम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो फिल्म के डेवलपिंग प्रोसेस और डेवलपिंग टाइम दोनों पर ही क्या पड़ेगा अफेक्ट पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्रेटर दैन ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा जो फिल्म की इमर्सन लेयर है वो सॉफ्ट हो जाएगी और केमिकल फॉक क्रिएट करेगी तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं डेवलपमेंट का टाइम कम करना होगा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और वन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर क्या होता है डेवलपमेंट का एक क्वार्टर मीनस की एक चौथाई टाइम कम हो जाता है तो वी नो दैट कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ग्रेटर देन 24 डिग्री सेल्सियस तो फिल्म की इमर्सल लेयर सॉफ्ट हो जाएगी और केमिकल फॉग क्रिएट करेगी इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डेवलपमेंट के टाइम को कम करना होगा और अगर डेवलपमेंट का टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल वन क्वार्टर कम हो जाता है तो टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा और अगर टेम्परेचर लेस देन सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हाइड्रोक्यूनिन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से जो इमेज मिलती है उसका कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है तो हाइड्रोक्यून क्या है हाइड्रोक्यून एक डेवलपिंग एजेंट है इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्म होपर ये जो फिल्म होपर होते हैं ये अनएक्सपोज फिल्म को स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं इसमें बहुत सारी रैक्स होती हैं फिल्म फिल्म बॉक्सेस को रखने के लिए तो जो होपर होते हैं इसमें काफी सारी रैक्स होती हैं फिल्म बॉक्सेस को रखने के लिए जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये इसमें रैक्स हैं और इन रैक्स में क्या करते हैं फिल्म बॉक्सेस को प्लेस करते हैं फिल्म बॉक्सेस को ऑलवेज वर्टिकल पोजिशन में रखना चाहिए जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं इसमें भी फिल्म बॉक्स वर्टिकल पोजिशन में रखा हुआ है क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रखेंगे तो फिल्म पर प्रेशर प्रोड्यूस होगा और वो फिल्म को अफेक्ट करता है वी नो दैट कि जो हमारी फिल्म होती है वो प्रेशर के टेम्परेचर के क्या होती है सेंसिटिव होती है इसलिए ऑलवेज फिल्म को वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए जो भी फिल्म बॉक्सेस होते हैं उनको ऑलवेज वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है फिल्म पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है फिर नेक्स्ट है वाटर मिक्सर वाटर मिक्सर जो होता है वो फिल्म प्रोसेसिंग टैंक के पास लगा होता है इसमें वॉल्व और टैप होता है जिससे हॉट एंड कोल्ड वाटर को मिक्स किया जाता है एक डिज़ायर टेम्परेचर पर फिल्म प्रोसेस करने के लिए इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक ड्रायर इलेक्ट्रिक ड्रायर का यूज़ फिल्म को जो एक्सरे फिल्म होती है उसको ड्राई करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिक ड्रायर में एक हीटिंग ऑयल लगी हुई होती है और ब्लोअर फैन होता है जिनकी हेल्प से फिल्म को ड्राई किया जाता है और इलेक्ट्रिक ड्रायर जो होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है तो हीटिंग ऑयल और ब्लोअर की हेल्प से एबैपोरेशन प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है और ड्राइंग टाइम रिड्यूस हो जाता है फिल्म में इमेज फिक्स होने के बाद फिल्म को वॉश किया जाता है और फिर फिल्म को इलेक्ट्रिक ड्रायर की हेल्प से ड्राई करके पेशेंट को या फिर उसके अटेंडेंट को हैंडओवर किया जाता है दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे और आज का ये जो टॉपिक है डार्क रूम एक्सरे डार्क रूम आज ही कंप्लीट हो चुका है इसका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाकर उसको देख लीजिए और ये जो टॉपिक है एक्सरे डार्क रूम ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जो लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं डिप्लोमा कर रहे हैं सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है या फिर कोई रेडियोग्राफर है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है इस टॉपिक को पढ़ आपको पता चलेगा कि डार्क रूम का लेआउट कितना होना चाहिए उसके वॉल्स कैसे होने चाहिए फ्लोर कैसे होना चाहिए कितने एरिए में डिवाइडेड होता है क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पर रखे हुए होते हैं सब क्या क्या नाम होते हैं उनके इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा सो प्लीज़ डू वॉच दी एक्स रे डार्क रूम वीडियोज इट्स अ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल लेक्चर ऑफ दी एक्स रे डार्क रूम सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक यू